Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello, I'm Dar Shaukat, and today in this lecture we will discuss about the global commons and also its examples. Ki global common kya hota hai aur uske kya examples hote hain. Dear student, sabse pehle baat yaad rakhiyega, when you will talk about the global commons, hamesha yaad rakhiyega, yahan pe ek term aa jayegi resource ki. Jaisa ki hum sabhi jante hain, resource means anything which we can use in order to fulfill our needs. Aur har ek country ke needs hote hain aur un needs ko pura karne ke liye वो रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यहां पे जो हमारे पास टॉपिक है, दैट इज द ग्लोबल कॉमन्स. ग्लोबल कॉमन्स आर दोज एरियाज, दोज ऑब्जेक्ट्स और दोज रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के वो रिसोर्स जिन पे सिर्फ एक कंट्री का कंट्रोल नहीं होगा, जो सिर्फ एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे. ये वो रिसोर्स होंगे जो सारे दुनिया के लिए क्या होंगे, सारे दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट होंगे. पहली बात. सो इन शॉर्ट वर्ड्स, इट रेफर्स टू रिसोर्स विच आर नॉट ओनर्ड बाय वन स्टेट बट बाय द एंटायर कम्युनिटी. इन रिसोर्स पे हक जो होता है, इनको जो कंट्रोल कर लेता है, पूरी दुनिया जो होती है, पूरी दुनिया मिलजुल के इनको कंट्रोल कर लेती है. सो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट. ये सिर्फ इनका इसका कंट्रोल सिर्फ एक स्टेट के पास नहीं होगा. सो दोज एरियाज, दोज रिसोर्स, दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर ओनर्ड बाय होल वर्ल्ड, यानी इन पे कंट्रोल पूरे दुनिया का होगा, उनको क्या कहते हैं हम? उनको हम कहते हैं ग्लोबल कॉमन्स. एग्जाम्पल के तौर पर ग्लोबल कॉमन्स की एग्जाम्पल है अर्थस एटमोस्फियर, या ओशंस फ्लोर, या एयर स्पेस, या आउटर स्पेस, या एंटार्क्टिका. ये बेस्ट एग्जांपल्स है किसके? ग्लोबल कॉमन्स के. अब अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं. अर्थ जितना, अर्थ जो है, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. सो पूरे दुनिया के लिए अर्थ जो है एक ऐसा रिसोर्स है, कोई कंट्री ये नहीं कह सकती ये अर्थ मेरी है, या इसका इसका ज्यूरिडिक्शन जो है वो मेरे हाथ में आ जाता है. नहीं, ये जो होगा ये हर एक कंट्री के लिए क्या होगा? सेम होगा. इसका वैल्यू हर एक कंट्री के लिए सेम होगा. तो इन शॉर्ट में हम कहेंगे कि ये जो होते हैं ये रिसोर्सेस, इट्स आल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड हेरिटेज. ये विरासत जो होती है, ये रिसोर्स जो होता है, ये पूरे दुनिया का होता है. सो बिकॉज दे आर पास्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. ये जो होते हैं ये पास होते रहते हैं फ्रॉम प्रेजेंट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. और प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, इनका हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. जैसे मैंने कहा अर्थ एटमॉस्फेयर, इसका हमें प्रोटेक्शन लेना करना चाहिए. ओशंस फ्लोर, एयर स्पेस, आउटर स्पेस, एंटार्क्टिका, ये सारे इनको हमें क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए. सो प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स इज वेरी नेसेसरी. द ग्लोबल कॉमन्स शुड बी यूटिलाइज इन ए लिमिटेड वे. सो इनको इस अंदाज से इस्तेमाल करना है, दैट शुड बी इन ए लिमिटेड वे. यानी ऐसे अनलिमिटेड वे में हम इस्तेमाल करेंगे तो पूरे दुनिया पे इस पे असर पड़ सकता है. क्योंकि अगर इन पे कहीं पे असर पड़ रहा है ना, तो पूरी दुनिया पे असर पड़ सकता है. क्योंकि दीज रिसोर्स आर ओनर्ड बाय होल वर्ल्ड, और दीज रिसोर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द होल वर्ल्ड. दिस इज नॉट एनी रिसोर्स, दीज आर नॉट एनी रिसोर्स विच कैन ओनली इफेक्ट ऑन एनी पर्टिकुलर नेशन. इफ इट विल इफेक्ट ऑन द होल वर्ल्ड. सो इट शुड बी यूज इन ए लिमिटेड वे. इसको अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करना चाहिए. और इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड क्रिएट एन अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वी शुड क्रिएट अ वर्कशॉप्स, ऑर्गेनाइज द वर्कशॉप्स इन स्कूल्स, कॉलेजेस, इन पब्लिक प्लेसेस, सो दैट वी विल अवेयर द पब्लिक स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल कॉमन्स फॉर द होल वर्ल्ड. सो दो चीजों से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एक तो हमें इसको लिमिटेड वे में इस्तेमाल करना होगा, दूसरा हमें वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस क्रिएट करने होंगे, जिससे हम लोगों को यह समझा सकते हैं कि ग्लोबल कॉमन्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे दुनिया के लिए. बिफोर कंक्लूडिंग माई टॉपिक, आई एम रिक्वेस्टिंग माई ऑल विशर्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. द नेम ऑफ माई चैनल इज ओशीन्स एजुकेशन, ऑरिजिन ऑफ क्रिएटिव एनर्जीज एंड न्यू साइंस, स्टार्टेड बाय डार शौकत. थैंक यू सो मच.